हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सलवार में बेल्ट जोड़नी बताऊंगी। ये देखो दोस्तों, कली और पार्ट और आसन मैंने ये तैयार कर लिया है। दोनों तीनों कली जोड़ ली हैं और आसन भी मैंने तैयार कर लिया है और बेल्ट भी मैंने तैयार कर लिया बना के। और हम इसमें अब निशान लगाते हैं बेल्ट में। जिधर से हमारा नेफा है उधर से हम 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ज़्यादा भारी सलवार है तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। मैंने ये 8 इंच पे निशान लगाया और पीछे बिल्कुल इस तरीके से जो हमारा नेफा बना हुआ है उसको बिल्कुल इस तरीके से करके यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। छोटा सा मैंने लगाया हुआ है ये इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बेल्ट सिलनी स्टार्ट करेंगे। हमने कट लगा लिए हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नेफा है वो ऊपर की साइड रखेंगे और नीचे रखेंगे। जहाँ से हमारा नाड़े का मुंह बना हुआ है वो नीचे रखेंगे और जो हमारा पीछे का कट था वो ऊपर रखेंगे। हम जो ये कली पार्ट हैं ये उल्टे रखते हैं और बेल्ट हम सीधी रखते हैं। इस तरीके से हम इसके अंदर रखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, और ये वाली जो आसन है ये इसको पकड़ेंगे यहाँ से और इस तरीके से एक प्लेट भरेंगे अंदर की साइड को इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा निशान लगाया था हमने कट का, पीछे वाला हिस्सा है ये जो पीछे आएगा, इस तरीके से यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से जहाँ तक कट है वहाँ तक इसको खींच के पकड़ लिए। उसके बाद हम यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमने प्लेट अभी ली थी वो हम इसको इस तरीके से बना के इसको सिल देंगे। ऐसी प्लेट एक इधर को बनाएंगे, इसका रुख इधर को रखेंगे, इसका इधर को रखेंगे। यहाँ से थोड़ा पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कट तक सिलेंगे, जहाँ हमारा कट है वहाँ तक सिलेंगे इसको। यहाँ से ये देखो दोस्तों, हमारा ये नेफे का निशान आ गया है। इतने दूरी में हमें प्लेटें भरनी है। यहाँ पहली प्लेट इसी निशान पे से स्टार्ट करेंगे डालनी इस तरीके से। इसकी प्लेटें इधर को डालते हैं और जो उधर वाली आएंगी वो इधर को डालेंगे। छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे इस तरीके से। ये देखो दोस्तों, ये हमने पहला नेफा जो सिल लिया था, अभी हमारा दूसरा आसन आ गया है। ये जब ये जोड़ पे आ जाए फिर हम प्लेटें इधर से डालेंगे इस तरीके से। देखो दोस्तों, हमारी बेल्ट जुड़ के तैयार हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर एक लव सिलाई लगाते हैं।
ये जो मार्जिन होता है ये ऊपर की तरफ रखेंगे जब सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से। देखो दोस्तों हमारी पूरी बेल्ट कितनी आसानी से और कितने अच्छे से भर गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।